हेलो दोस्तों, यात्री बिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कट की आमटी। ये आमटी जैसे हम पूरन पूड़ी बनाते हैं तो उसका जो दाल का जो पानी बचता है उसकी आमटी बनती है, वरना ये हम ऐसे भी बनाना है तो चने की दाल को बॉईल करके मीन्स उबाल के उसको पका के हम इसकी आमटी बना सकते हैं। तो चलिए आप मैं बताती हूँ आपको ये आमटी कैसे बनाते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यात्री बिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और ज़रूर बेल आइकॉन दबाइए। अब मैंने उसके लिए मसाला निकालना है, मुझे मसाला पीसना है, तो मैंने उसके लिए एक प्याज ली है और थोड़ा सा खोबरा लिया है और 4-5 कली लहसुन के लिए और अदरक लिया। अब मैं इसे पीस लूँगी और मसाला बना लूँगी। तो अब हमने ये मसाला पीस के रख दिया है और हमने गैस ऑन किया है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं अब अपना राई और जीरा, ठीक है। और फिर इसके बाद राई जीरा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालते हैं। हींग भी हो चुका है, अब हम इसमें ये लहसुन बारीक काटे हुए ये लहसुन डालते हैं। हो चुके हैं, हम तेज पत्ता, कड़ी पत्ता और ये लाल हरी मिर्ची 2-3 डालते हैं। अब ये भी हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं ये मसाला जो हमने पीस के रखा है, वो हम मसाला इसमें डालते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालते हैं और हम इसे अच्छे से तेल छूटे तक भूनते हैं। तो ये अब मसाला पक गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं और इसको और थोड़े देर पकने देते हैं ताकि तेल अच्छे से छूटे तो इसका कलर बहुत अच्छा आए। ये मसाला पक चुका है, इसने तेल भी छोड़ा, इसका मतलब ये हो गया। अब हम ये कट डालते हैं। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम इसमें पानी डालते हैं और इसे उबालने देते हैं। ये हमारी आमटी हो गई तैयार और हम इसे सर्व करते हैं। अब ये हमारी आमटी बन चुकी है, अब हम इसे सर्व करते हैं। मैं अब पहले इसे सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ। सब्सक्राइब यात्री बिल्ली, थैंक यू।